दोस्तों नमस्कार। आज का पाठ है जैनेन्द्र कुमार का निबंध बाजार दर्शन, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का अध्याय 11 है। आइए सर्वप्रथम देखते हैं लेखक परिचय। लेखक जैनेन्द्र कुमार, जन्म 1905 ईस्वी, मृत्यु 1988 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जबकि उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय आदि हैं, और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया था। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है, लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। मूल पाठ बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व को महिमा सह विशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। प्रस्तुतांश में जैनेन्द्र कहते हैं कि एक बार उनके एक मित्र कोई मामूली सामान लेने बाजार गए थे, और जब वापस आए तो बहुत सारे बंडल उनके पास थे। जब लेखक ने पूछा, यह इतना सारा सामान क्या? तो उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के ऊपर डाल दी। उनके मित्र ने ज्यादा सामान खरीदने की जिम्मेदारी पत्नी पर डालते हुए उसकी अर्थात अपनी पत्नी की महिमा बताया। लेखक पत्नी की महिमा को मानते हैं कि सामान खरीदने और जोड़ने में प्राचीन काल से ही पत्नी की प्रधानता रही है, यह स्त्रियों का स्वभाव होता है। फिर भी एक सच्चाई को जैनेन्द्र यहाँ स्वीकार करते हैं कि पुरुष जो फिजूल खर्ची करता है उसके लिए पत्नी को जिम्मेदार बता देता है। खर्च अथवा आवश्यकता से अधिक खर्च करना एक और बात पर भी निर्भर है, वह है पैसा और उसकी क्रय शक्ति। जिसके पास जितना अधिक धन होगा वह बाजार से उतनी ही ज्यादा खरीदारी करेगा। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में पावर का ही रस है, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं।
वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। प्रस्तुत अंश में जैनेन्द्र कहते हैं कि पैसे में शक्ति है और उस शक्ति से यहाँ लेखक परिचय कराते हुए कहते हैं कि पैसे की शक्ति का प्रमाण उस सामान को देखकर मिलता है जो किसी आदमी के पास जमा होता है और उस सामान और मकान को देखकर लगता है। किसी के बैंक खाते में जमा राशि को देखकर उसका अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सामान मकान आदि को देखकर उसके बैंक के हिसाब को देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही प्रमाण मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि पैसे की क्रय शक्ति के प्रयोग से ही शक्ति का आनंद प्राप्त होता है। संयमी लोगों के बारे में बताते हुए जैनेन्द्र कहते हैं कि संयमी लोगों को पैसा पास होने से ही खुशी मिल जाती है। अनावश्यक चीजों को खरीदना वे बेकार की बात समझते हैं और उनमें अपना धन नष्ट नहीं करते। वे अपना सारा का सारा धन एकत्र करते रहते हैं और उसको खर्च करने में संयम बरतते हैं। उनको पैसे की ताकत का तो पहले ही पूरा विश्वास होता है। उनके पास पैसा है यह सोचकर ही वे संतुष्ट रहते हैं और गर्व की भावना का मन में अनुभव करते रहते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, प्रस्तुत अंश में लेखक अपने मित्र से बाजार के आकर्षण को लेकर के जो संवाद करता है उसका वर्णन किया गया है। मित्र ने कहा कि बाजार की सजावट को देखकर न चाहते हुए भी बहुत कुछ खरीद लाए हैं। तब लेखक ने कहा कि ठीक है, बाजार ग्राहकों को आमंत्रित करता है कि आओ मुझे जी भर कर लूटो, मन चाहा सामान खरीदो, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ मेरा आकर्षण देखो। मेरा यह सजा सजाया रूप आप ही के लिए तो है। बाजार में अनेक चीजें नहीं चाहने पर भी देखी परखी जाती हैं, उनका मोल भाव पूछा जाता है। इस तरह चीजें देखने में क्या हर्ज है? इस प्रकार बाजार मानो ग्राहकों को आमंत्रण देता है और स्वयं की ओर आकर्षित करता है। ग्राहक उसे आग्रह न मानते हुए भी अपनी व्यवस्था को देखता है और यदि उसकी जेब उतनी ना भरी हो तो उसे वह अपना अपमान भी समझता है। लेखक कहते हैं कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण एकदम चुप होता है, स्वयं कुछ नहीं कहता, अपितु उसकी चमक दमक एवं सजावट को देखकर मन में सामान खरीदने की इच्छा जागृत हो जाती है। इस चाहत का आशय अपने पास उस वस्तु का अभाव मानना है। चौक बाजार में खड़े हो जाएं और चारों ओर दुकानों को सजा सजाया देखकर आदमी को यह लगने लगता है कि मेरे पास तो बहुत कम चीजें हैं, फला फला सामान मेरे यहाँ नहीं है, उसकी कमी है, बाजार में कितना सारा सामान है जबकि मेरे पास तो बहुत कम है। इस प्रकार उसके मन में वहां सजे सजाए सामान को खरीदने की चाहत जागती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले गए बाजार से, कहीं शाम की वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले,
बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तो मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ पर यह समझ ना आता था कि लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है, यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। जगत रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। प्रस्तुत अंश में लेखक कहता है कि बाजार के आकर्षण के जादू से व्यक्ति की चाह बढ़ जाती है। लेखक के अनुसार बाजार आंखों के रास्ते लोगों को आकर्षित करता है। सुंदर चीजें आकर्षक होती हैं, जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है उसी प्रकार बाजार लोगों के मन को आकर्षित करता है। लोहा चुंबक से प्रभावित होता है, अन्य वस्तुएं नहीं। उसी प्रकार जिनके पास जेब में खूब पैसा होता है तथा वे यह नहीं जानते कि उनकी जरूरतें क्या हैं, वे बाजार के जाल में फंस जाते हैं और बिना सोचे विचारे बाजार में चीजें खरीदने में जुट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब बाजार में व्यक्ति की जेब भरी हो, उसके पास रुपए हो और मन खाली हो, अर्थात खरीदारी करने में निश्चित वस्तु का क्रय करने का लक्ष्य न हो, तो ऐसे में बाजार के जादू का उस पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। किंतु जब जेब खाली हो और मन भरा हुआ हो तो भी उस पर कुछ जादू चल जाएगा, अर्थात वह आवश्यकता की चीजें खरीदने में संकोच नहीं करेगा। मन खाली हो अर्थात मन में किसी चीज की खरीदारी करने में भटकाव हो तो वह अनेकानेक चीजें खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। लेखक के अनुसार उस समय कहीं उसकी जेब भरी हो तो फिर वह बिना सोचे समझे सब कुछ खरीदने को तैयार हो जाता है और सोचता है कि यह भी ले लूं वह भी ले लूं, सभी सामान जरूरी है और घर पर आराम बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार बाजार के आकर्षण का उस व्यक्ति पर जल्दी प्रभाव पड़ जाता है तथा वह खूब खरीदारी कर लेता है। पर उस जादू की पकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। लेखक कहते हैं कि बाजार के आकर्षण से बचने का एक सरल तरीका है कि बाजार जाते समय यह पता हो कि हमें क्या चाहिए। जिस प्रकार लू से बचने के लिए खूब पानी पीकर बाहर जाते हैं तो लू के बुरे प्रभाव से रक्षा होती है, उसी प्रकार यदि ग्राहक को अपने उद्देश्य अर्थात उसकी जरूरत की चीज का ठीक से पता हो तो बाजार का अनुचित आकर्षण उसको प्रभावित नहीं कर पाता, वह फिजूल खर्ची से बच जाता है। इससे बाजार को कुछ न कुछ सच्चा लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाजार का महत्व और उपयोगिता यह है कि वह ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराए। ग्राहक को अपने आकर्षण में फंसाकर अनावश्यक खरीदारी के लिए प्रेरित करना अनुचित है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे
मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधस्तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृष भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मित्र प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि मन खाली न रहने का तात्पर्य मन बंद करना नहीं है। दोनों बातों में अंतर है और इस अंतर को पहचानना आवश्यक है। जो बंद हो जाए वह शून्य हो जाता है, और शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है क्योंकि वह सदैव से संपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। और इसलिए मन बंद नहीं हो सकता। यह झूठ है कि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेगा। बलपूर्वक मन को नियंत्रित कर लेना तप नहीं है। ऐसे नकारात्मक तप से केवल ताप प्राप्त होता है जो जीवन को तपता हुआ रेगिस्तान बना देता है। इस तप से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बाजार की आकर्षक वस्तुओं की ओर ललचाते मन को बलात् रोकना मूर्खता है। लेखक इसे लोभ पर विजय पाना नहीं कहते। मन को नकारात्मक शक्ति अर्थात खालीपन में लाना तो लोभ की जीत है, आदमी की हार। मन को समझाकर तर्क के द्वारा लोभ से विमुख करना ही सही चिंतन है। सुंदर रूप के दर्शन के लोभ से बचने के लिए अपनी आंखें फोड़ लेना मूर्खता है, और इससे रूप दर्शन का लोभ समाप्त नहीं होता। मनुष्य आंखें बंद करके ही सुंदर सपने देखता है, और ये सपने भी व्यक्ति के मन को उसी प्रकार बेचैन बना देते हैं जैसे बाजार की लुभावनी वस्तुएं। लेखक कहते हैं कि मन को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न उचित नहीं माना जा सकता, ऐसा प्रयत्न बेकार है। यह एक प्रकार का हठ योग है जिसमें हट जाता है, योग तो शायद है ही नहीं। इस प्रकार के प्रयत्न मन को दुर्बल बनाते हैं। इस प्रकार का प्रयास मन की व्यापकता और विराटता छीनकर उसे संकुचित और छोटा बना देता है। लेखक के अनुसार मन को पूरी तरह निरुद्ध नहीं करता। वैसे भी मन पूर्ण नहीं होता। यदि मनुष्य पूर्ण होता तो वह परमात्मा के समान ही महाशून्य होता। मनुष्य अपूर्ण है, अपूर्णता ही मनुष्य की पहचान है। इस सच्चाई को बोध कराने वाला ज्ञान ही लेखक के अनुसार सच्चा ज्ञान है। इसी प्रकार सच्चा कर्म वह है जो अपूर्णता के भाव से प्रेरित होता है, और इसलिए मन की उपेक्षा करना या उसे बलपूर्वक रोकना सही उपाय नहीं कहा जा सकता। सही उपाय तो वह है जो मन की बात भी सुने। मनुष्य को मन किसी विशेष कारण से दिया गया है, यह अनावश्यक नहीं है। मन को मनमानी भी नहीं करने देनी चाहिए और इसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। मन उस पूर्ण परमात्मा का अंग है, वह अपने आप में संपूर्ण नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते।
क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, नहीं यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सैलज ही न हो जाती होगी? मित्र जैनेन्द्र कहते हैं कि उनके पड़ोस में भगत जी नाम के एक सज्जन रहते हैं जो चूरन बेचते हैं। बहुत वर्षों से वह ये काम कर रहे हैं, लेकिन 6 आने पैसे से ज्यादा वो कभी नहीं कमाते। जो ही 6 आने की कमाई हो जाती है, शेष बचा चूरन वे बच्चों में बांट देते हैं, मुफ्त में बांट देते हैं। किसी भी प्रकार का लोभ लालच उन्हें नहीं है, ना तो उन्होंने कभी चूरन में लापरवाही की है और ना कभी उन्हें कोई रोग होता हुआ लेखक ने देखा है। ऐसा नहीं है कि उनके चूरन में खूबी नहीं है। लोग हाथों हाथ उनका चूरन खरीद लेते हैं, किंतु कभी पैसे के कारण भगत जी में लोभ उत्पन्न नहीं हुआ। लेखक कहते हैं इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाया। लेखक को यह नहीं पता कि चूरन वाले भगत जी कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं। पता नहीं ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें उनको पता हैं या नहीं। बड़ी बड़ी बातें जानने वाले लेखक और पाठक की दृष्टि में चूरन वाला भगत एक मामूली आदमी ही है, किंतु लेखक के अनुसार भगत जी एक ऐसे गुण वाले व्यक्ति हैं जो उसके जैसे विद्वानों के पास भी नहीं है। भगत जी पर बाजार का जादू कोई असर नहीं डालता, उन पर पैसे के आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे दृढ़ मन वाले व्यक्ति हैं। पैसे के प्रति उनके मन में कोई दया नहीं आती। पैसा आगे चलकर उनके पास आने को उत्सुक रहता है, किंतु लेखक कहते हैं कि वे अर्थात भगत जी उस पैसे को आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौन सी एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली कर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। प्रस्तुत अंश में जैनेन्द्र कहते हैं कि धन की व्यंग्य शक्ति बड़ी भयंकर होती है। लेखक रास्ते में पैदल चल रहा है और उसी समय एक मोटर धूल उड़ाती हुई उसके पास से निकल जाती है। मोटर का उसके पास से तेजी से निकलना उसे ऐसा लगता है जैसे व्यंग्य की एक लकीर उसके हृदय को पार करती हुई निकल गई हो, जैसे किसी ने उसकी आंख में उंगली डालकर उसे खोल कर दिखाया हो कि देखो इसको कहते हैं मोटर जो तुम्हारे पास नहीं है। अपने पास मोटर के न होने को लेखक अपना दुर्भाग्य समझता है। वह तुरंत सोचने लगता है कि उसने किसी
धनी घर में जन्म क्यों नहीं लिया? क्या यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ उसका जन्म होना था? यह व्यंग्य इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति थोड़ी ही देर में अपने सारे संबंधियों के प्रति कृतज्ञता को भुला देता है और उनसे पराया हो जाता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मित्र, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि उस बल को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, परंतु लेखक के अनुसार वह संसार की चीज नहीं है। इस संसार में धन ऐश्वर्य का मान होता है और उसी को पाने के लिए लोग लालच करते हैं, कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। वह बल किसी अन्य वर्ग से संबंधित है। इस तत्व को स्पिरिचुअल कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है, इसे आत्मिक, धार्मिक, नैतिक आदि नामों से पुकारा जा सकता है। लेखक शब्दों के झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए वह कहता है कि शब्दों में अंतर देखने तथा उनको स्थापित करने की योग्यता उसमें नहीं है। वह विद्वान नहीं है कि शब्दों में उलझे, परंतु यह बात तो निश्चित ही मानने योग्य है कि जिस व्यक्ति में धन के प्रति लालसा और संग्रह की भावना होती है, उसमें आत्मबल का अभाव होता है। यदि पैसे की व्यंग्य शक्ति तथा अत्यधिक संसारी वैभव की आकांक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाए तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इससे वह बलशाली नहीं अपितु निर्बल ही सिद्ध होता है। मन से कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की आकांक्षा रखता है और धनबल को पाने का प्रयास करता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वे जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे
आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भगत जी के बाजार के प्रति सीमित लगाव पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति भरे मन का होता है वह आकर्षण की अनेक चीजों की अभिलाषा नहीं रखता है। भगत जी जब भी बाजार में जाते हैं तो वहां पर तरह तरह के बढ़िया माल से चौक बाजार भरा रहता है, परंतु भगत जी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। भगत जी के मन में उस समय उस तमाम तरह के माल के प्रति आसक्ति न रहकर आशीर्वाद का भाव रहता है। एक प्रकार से सुखमय समस्त वस्तुओं के प्रति उनके मन में विद्रोह न होकर प्रसन्नता का भाव भरा रहता है, क्योंकि उनका हृदय खाली न होकर भरा रहता है। खाली मन में तो वस्तुओं को पाने की इच्छा होती है, लालसा होती है, परंतु भगत जी में ऐसी इच्छा ऐसी लालसा नहीं रहती। इस कारण वे खुली आंख से संतुष्ट और प्रसन्न मन से चौक बाजार में आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में सजे सजाए बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, किंतु भगत जी उनकी ओर भरे मन से देखते हैं और कहीं पर भी रुकते नहीं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर जाकर वे रुक जाते हैं, क्योंकि घर से जो चीज खरीदने वे आए थे वह चीज उस पंसारी की दुकान पर मिलती है। वहां से वो खरीदते हैं और फिर वापस सीधे अपने घर की ओर चले जाते हैं। इस तरह से भगत जी बाजार के आकर्षण से एकदम विमुखता भी नहीं रखते हैं तो एकदम आसक्ति भी नहीं दिखाते हैं। बाजार की जानबूझकर उपेक्षा न करके वे उपयोगी वस्तु को खरीद कर चले जाते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता इतनी ही रहती है। भगत जी को पता है उनकी आवश्यकता जीरा और नमक है, और इसलिए चांदनी चौक नामक बाजार का आकर्षण उनको प्रभावित नहीं करता। भगत जी अपनी आवश्यकता की वस्तु मिलने वाली दुकान पर पहुंचते हैं, पंसारी की दुकान पर पहुंचते हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, जीरा खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है, और इसके बाद चांदनी चौक के आकर्षण और उसमें प्रदर्शित सुंदर चीजों का भगत जी के लिए कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वे उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। चांदनी चौक के समस्त वैभव के प्रति तटस्थता दिखाते हुए भी वे उसका भला चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक कहते हैं कि बाजार जाने वाले को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। यह जानने वाला ग्राहक बाजार को एक महत्वपूर्ण उपयोगी संस्था बनाने में सहायक होता है। जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की चीजों का सही ज्ञान नहीं रखता, वह बाजार जाकर अपनी क्रय शक्ति का घमंड दिखाता है, उसके कारण बाजार को एक विनाशकारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह शक्ति ग्राहक के शोषण की शक्ति होती है, उसके कारण बाजार में छल कपट बढ़ता है, ठगी बढ़ती है, विक्रेता और क्रेता के बीच का जो सद्भाव है वह नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में उनमें एक ही रिश्ता बन जाता है, और वह रिश्ता है ग्राहक और विक्रेता का। दोनों एक दूसरे को धोखा देकर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। बाजार शोषण का स्थान बन जाता है। ऐसे बाजार मनुष्यता के दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। लेखक की दृष्टि में वह अर्थशास्त्र है ही नहीं, वह उल्टी सीख देने वाला और छल कपट सिखाने वाला शास्त्र है। वह नीति की नहीं अनीति की
शिक्षा देने वाला शास्त्र है। तो मित्रों ये था जैनेन्द्र कुमार का निबंध बाजार दर्शन। आइए इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। उत्तर, आवश्यकता के समय काम आना। प्रश्न दो, भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए क्योंकि? उत्तर, वे संतोषी थे इसलिए अधिक कमाना ही नहीं चाहते थे। प्रश्न तीन, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? उत्तर, आंखों के रास्ते। प्रश्न चार, चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? उत्तर, बाजार की चकाचौंध से अनाकर्षित रहने और आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन नहीं करने का। प्रश्न पांच, लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है? उत्तर, जब मन खाली हो। अगला प्रश्न, पैसे की परचेज पावर से क्या अर्थ है? उत्तर, क्रय शक्ति। अगला प्रश्न, खरीददारों के मूल में एक और तत्व की महिमा सह विशेष है, वह तत्व क्या है? उत्तर, मनी बैग या पैसे की गर्मी। प्रश्न आठ, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? उत्तर, मूक आमंत्रण। अगला प्रश्न, चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को क्या लगता है? उत्तर, उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए। अगला प्रश्न, बाजार के जादू का असर अधिक कब होता है? उत्तर, जब जेब भरी और मन खाली हो। अगला प्रश्न, जो बंद हो जाएगा वह? उत्तर, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, शून्य होने का अधिकार किसे है? उत्तर, परमात्मा को। अगला प्रश्न, 6 आने की बिक्री हो जाने पर भगत जी शेष चूर्ण का क्या करते हैं? उत्तर, बच्चों में निशुल्क बांट देते हैं। अगला प्रश्न, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है, यहाँ निर्मम व्यक्ति किसके लिए आया है? उत्तर, भगत जी के लिए। प्रश्न 15 है, धन की ओर कौन झुकता है? उत्तर, निर्बल। प्रश्न 16 है, भगत जी चौक बाजार में क्या लेने गए थे? उत्तर, जीरा और काला नमक। 17वां प्रश्न, बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो? उत्तर, जानता है कि वह क्या चाहता है। प्रश्न 18 है, मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर, जैनेन्द्र कुमार को। प्रश्न 19, मुंशी प्रेमचंद ने जैनेन्द्र कुमार को क्या कहकर महिमा मंडित किया था? उत्तर, भारत का गोरकी। और प्रश्न 20, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह किसके लिए घातक है? उत्तर, अर्थव्यवस्था के लिए। तो मित्रों ये था कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन का अध्याय 11 बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मित्रों सभी प्रकार के प्रश्नोत्तरों और काव्य शास्त्र आदि कठिन विषयों के PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/बातें साहित्य की को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह चैनल इसी प्रकार आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सामग्री प्रसारित करता रहेगा, इसलिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।